मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, आप अपने कामों में व्यस्त भी होंगे। और ये है देसी गाय के घी से और ऑर्गेनिक खांड से बना हुआ खांड का घेवर, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है ये। बहुत ज़्यादा हेल्दी भी है क्योंकि इसमें गाय का घी है और ऑर्गेनिक ये इसमें खांड डली हुई है। तो यही रेसिपी आप लोग साथ शेयर करूँगी, तो कैंडली जुड़े रहना मेरे साथ पूरी वीडियो में। और छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स मैं इसमें बताऊंगी, आपने कैसे छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स अपना के और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी घेवर कैसे बना सकते हो आप अपने हाथों से, अपने घर में, अपने बच्चों के लिए, अपने पूरे परिवार के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या क्या जाएगा वो बताऊंगी। और देखो ये इतना सारा जो घेवर है ना, ये 250 ग्राम मैदा और 3 छोटे चम्मच इसमें घी डाल के और पानी डाल के मैंने इसको बनाया है। तो पूरी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो चलिए बनाते हैं अपना बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी ऑर्गेनिक खांड का देसी घी का घेवर। तो चलिए घेवर बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है, सबसे पहले हमने घी लेना होता है और ये गाय का देसी घी है और ये 3 चम्मच घी है। अब इसमें ना 2 बर्फ के क्यूब्स डाल लेंगे और इसको ना इतने अच्छे तरीके से फेंटना है ताकि एक ये जो घी है ना, अभी तो देखो ये ऐसा है तो ये क्रीम की फॉर्म में हो जाए, तो तब तक इसको हमने हाथों के सहारे से इसको फेंटना है अच्छे से। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है घेवर में, बस यही टेक्निक सबसे ज़्यादा थोड़ी सी ध्यान से करनी पड़ती है। जितना घी को फेंटोगे, जितना क्रीमी टेक्सचर लेके आओगे, उतना ही घेवर बहुत ही बढ़िया बनके तैयार होगा। तो इसको देखो ये थोड़ा थोड़ा क्रीम की फॉर्म में आने लग गया है। अब ये देखो ये बिल्कुल क्रीम की फॉर्म में हो गया है। अब इसमें है ना जो मैदा, थोड़ी थोड़ी करके मैदा ऐड करेंगे। अब इसमें हमने पानी ऐड करना है, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और इसको मैदा को मिक्स करते जाएंगे। बेसिकली हमने ये बिल्कुल एकदम पतला घोल बनाना है। अब ये देखो ये ना ऐसा इसका टेक्सचर होना चाहिए। अब इसको ना हमने छान लेना है ताकि कोई भी अगर इसमें गुठलियां हैं तो वो छन जाएंगी, तो इसको छानना बहुत जरूरी है। अब एक लेंगे छलनी और दूसरा बोल लेंगे, अब इसको छान लेते हैं। ये देखो ये इतना पतला घोल होना चाहिए। अब अगर आपको थोड़ा सा सॉफ्ट घेवर चाहिए तो ये बिल्कुल रेडी है घेवर बनाने के लिए। और अगर आपको थोड़ा क्रिस्पी घेवर चाहिए ना, अब किसी को बड़ा सॉफ्ट पसंद है घेवर, जैसे मेरे हस्बैंड को ना बहुत सॉफ्ट घेवर पसंद है, तो यहाँ पे आपने कुछ भी नहीं ऐड करना है। अगर आपको थोड़ा सा क्रिस्पी घेवर चाहिए तो इसमें आधे नींबू का रस ऐड कर लेना है और फिर उसके बाद इसको यानी घेवर बनाएंगे। और गैस पे मैंने घी रख दिया है और गाय के मैं घी में बनाऊंगी। अब ये मैंने घी डाल दिया है और थोड़ा सा गर्म हो गया है। ठंडे घी में आपने घेवर को नहीं बनाना है, नहीं तो उसमें जाली नहीं बनेगी। अब आपने एक गहरे यानी थोड़ा सा जो पतीला होता है, आपने पतीला ले लेना है। अब ये मेरे पास है ना स्टीमर है, तो मैं स्टीमर का ऐसे यूज कर रही हूँ क्योंकि बेसिकली जो है ना ये थोड़ा सा साइज में ना, जैसे ये ऊंचा है तो हम जैसे बैटर डालेंगे ना तो घी बाहर आएगा। तो आप कम ऊंचाई का अगर पतीला यूज करोगे तो घी बाहर निकल सकता है और गैस पे आग लग सकती है, तो इसलिए आपने कोशिश करना है कम से कम है ना इतना ऊंचा आपने जो है पतीला ले लेना है। तो ये बहुत अच्छे से गर्म करना है तब हमने इसमें बैटर डालना है। अब घी है वो गर्म हो गया है, तो आपने क्या करना है थोड़ा सा ऐसे लिया और थोड़ा सा ऊपर से, ये देखो ऐसे ऊपर आना चाहिए।
थोड़ा बैटर लिया और उसमें डालते हैं। जब एक बार डालते हैं ना बैटर को इसमें, तो जब तक वो पक जाए तब तक आपने दोबारा नहीं डालना है। अब ये झाग थोड़े से ठंडे हो जाएंगे यानी ये बैठ जाएंगे, तब आपने दूसरा बैटर डालना है। और गैस जो है वो हाई फ्लेम पे रखनी है क्योंकि ये हाई टेम्परेचर में ये घेवर बनेगा। जब गरम घी कैसे पहचान होगी कि ये बहुत गर्म हो गया है, जब हम बैटर को डाल लेंगे ना, एक तो ये बिल्कुल फूल के ऊपर आ जाएगा, दूसरा क्या है कि जब बैटर डालोगे ना छन छन की बहुत अच्छी सी आवाज़ आनी चाहिए। अब ये देखो ये बिल्कुल पक गया है। अगर इसको और ज़्यादा आपने कलर देना है तो थोड़ी देर और पका लो, और नहीं तो आप इसको ऐसे निकाल सकते हो। अब ये जो पतीले से अपने आप छूट जाएगा, और ये देखो ये थोड़ा सा नीचे करके इसको और ऊपर की लेयर भी अच्छे से पका लेनी है। अब इसको निकाल लेना है। ये देखो ये बहुत ही आसान तरीके से निकल जाएगा। अब आपने एक छलनी लेनी है और छलनी के ऊपर इसको निकाल देना ताकि इसका जो एक्स्ट्रा घी है ना वो नीचे निकल जाए। अब इस थाली में मैंने छलनी रख दी, छलनी के ऊपर मैंने घेवर को रख दिया है। अब डालेंगे दूसरा बैच। अब घी फुल गर्म है तो दूसरा बैच डाल देंगे। इसको मैं बना लेती हूँ और मैं फिर दिखाती हूँ आपको। अब बारी आती है चाशनी की, तो मैं ये घेवर जो है खांड वाला घेवर बना रही हूँ, तो इसमें डाल दूंगी। मान लीजिए आपने ज़्यादा मीठा पसंद है तो आपने जैसे दो कप आपने खांड डाल ली तो आधा कप इसमें पानी जाएगा। बहुत ज़्यादा मीठा पसंद नहीं है तो एक कप जैसे खांड डाल ली और आधा कप आपने पानी डाल लिया, तो खांड की जो क्वांटिटी है वो आपने घटा देनी है। दूसरा एक होता है ना, किसी को ना बहुत चीनी वाला जो मीठे वाला जो घेवर पसंद है, तो आपने बनानी है मोटे तार की चाशनी। और कम मीठे के शौकीन हैं आप तो आपने एक पतली लेयर की यानी एक चिपचिपी चाशनी आपने बनानी है। तो ये मैं डाल देती हूँ इसमें खांड। अब इसमें इलायची पाउडर डाल सकते हो आप, आपकी अपनी चॉइस है। तो किसी को इलायची का टेस्ट जो है वो खुशबू है वो अच्छी नहीं लगती है, तो मैं इसमें थोड़ी सी इलायची का पाउडर डालूंगी। अब ये दिखाती हूँ मैं कैसी चाशनी बनानी है आपने। एक बस थोड़ी सी चिपचिपी सी चाशनी बन जाएगी, तो बस इतनी बनानी है हमने। अब ये होगी है कंप्लीट और गैस कुकर देंगे बंद। अब इसको थोड़ा सा ठंडा करना है, ठंडा करके फिर हम अपने घेवर पे चाशनी को लगाएंगे, बेसिकली घेवर को चाशनी पिलाएंगे। अब जो चाशनी है वो होगी है ठंडी, और अब एक लेंगे प्लेट या थाली लेंगे और उस पर लगाएंगे अपना घेवर के रिंग। पहले एक रखेंगे और इस पर लगाएंगे चाशनी,
देखो ऐसे लगाते हुए फैलाते हुए लगानी है। अब इस पूरे पर लगाने के बाद जो है दूसरा रिंग रख देंगे और फिर सेम इस पे चासनी लगाएंगे। अब देखो ये पूरे पे ना चासनी लग चुकी है। तो ये हो गया है हमारा देसी घी का और ऑर्गेनिक खांड का बहुत ही ज़्यादा शुद्ध और बहुत ज़्यादा टेस्टी घेवर रेडी। और देखो ये देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है ना, सच में बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी बनता है। आप अपने घर में ये ज़रूर बना के देखना। ये मैंने है ना देसी गाय के देसी घी से मैंने इसको बनाया है और ऑर्गेनिक खांड से बनाया, तो ये बहुत ज़्यादा हेल्दी हो गया है। अगर आपने है ना खोए वाला घेवर पसंद है, जैसे मेरे हस्बैंड को खोए वाला घेवर पसंद नहीं है तो मैं इसको ऐसे ही सिंपल रखूंगी। अगर आपने खोए वाला घेवर चाहिए जिसको आप मलाई वाला भी बोलते हो, तो आप दूध का खोया निकालो और उसके ऊपर जैसे ये घेवर के ऊपर उस खोए को लगा दीजिए। अगर आपने ज़्यादा मीठा पसंद है तो खोए में मीठा ऐड कर देना, और अगर मीठा ज़्यादा पसंद नहीं है क्योंकि ऑलरेडी ये मीठा घेवर है तो आप दूध का जैसे खोया निकालोगे ना अपने आप मिठास आ जाएगी उसमें, आप उसके ऊपर पूरे में लगा के और ड्राई फ्रूट डाल के और आप उसको एंजॉय कर सकते हो। ये बहुत ज़्यादा मार्केट से तो कहीं ज़्यादा ये हेल्दी भी है, हाइजीनिक भी है और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी है। तो होप आप लोगों को ये घेवर बहुत पसंद आया होगा और बहुत ही आसान तरीके से मैंने घेवर की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की है। घेवर की रेसिपी एक और मेरे चैनल पे है तो आप चेकआउट कर सकते हो। खोया कैसे बनाते हैं उसकी भी वीडियो मेरे चैनल पे है तो आप उसको भी देख सकते हो। तो चलिए मिलती हूँ आपसे नई वीडियो में नए कंटेंट के साथ। तब तक क्या करना है आपने, ये देसी घी का ऑर्गेनिक खांड का घेवर बना के आप इंजॉय कीजिए, आप अपने बच्चों को खिलाइए, मेहमानों को खिलाइए, आपकी तारीफ पे तारीफ करते जाएंगे। तो हेल्दी खाइए, हेल्दी बनाइए, हेल्दी खाइए और हेल्दी रहिए। तो चिल्ड्रन टेक केयर, बाय बाय।